नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा पार्ट नंबर 5 हमने पढ़ना शुरू किया था, श्रवण कुमार। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि श्रवण कुमार इस तरह से अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए चल पड़ा एक कावड़ बनाकर, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे बहुत ज़्यादा दूरी तक, तो इसलिए उसने इस तरह से साधन बनाया कि उनको टोकरियों में बिठाकर और कावड़ बनाकर लेकर चल पड़ा कहाँ, तीर्थ यात्रा करवाने के लिए। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं। श्रवण एक एक कर उन्हें कई तीर्थ स्थानों पर ले गया, गया, काशी, प्रयाग, सब जगह वो गए। माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए श्रवण उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाता, यानी कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा था, कैसा है तीर्थ स्थान, सब बातें उनको बोल करके बताता। माता पिता बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। एक दिन माँ ने कहा, बेटा श्रवण, हम अंधों के लिए तुम आँखें बन गए हो, क्योंकि वो सब बातें जो आसपास की थी वो उनको बोल करके समझा रहा था, तो उन्होंने कहा तुम हमारी आँखें ही बन गए हो। तुम्हारे मुंह से तीर्थ के बारे में सुनकर हमें लगता है जैसे हमने अपनी आँखों से भगवान को देख लिया है। माताजी ने श्रवण को आशीर्वाद दिया, क्योंकि माताजी उनकी जो थी वो बात बात में क्या करती थी, श्रवण कुमार को आशीर्वाद देती थी। तो अब वो तीर्थ यात्रा करवाने गया तो सब बातें उनको बता बता कर समझाने लगा कि कैसे कैसे वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो माताजी ने फिर श्रवण को आशीर्वाद दिया, ऐसा न कहें माताजी, माता पिता बच्चों पर कभी बोझ नहीं होते, यह तो मेरा कर्तव्य है, आप मेरी चिंता न करें। एक दोपहर जब वे अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे, कौन, श्रवण और उनके माता पिता विश्राम कर रहे थे, माँ को प्यास लगी। पास ही एक नदी बह रही थी, श्रवण कमंडल लेकर नदी पर पानी लेने चला गया। तभी अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलते हुए, दशरथ कौन थे, राजा दशरथ कौन थे, अयोध्या के राजा, और कौन थे, श्री राम जी के पिताजी। ठीक है, शिकार खेलते हुए नदी के पास जंगल में आ पहुंचे। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई जानवर पानी पीने आया है। आवाज के आधार पर उन्होंने तीर छोड़ा। आवाज के आधार पर कैसे, क्योंकि उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने की कला में महारत हासिल थी, यानी कि वो आवाज सुनकर ही तीर निशाने पर लगा सकते थे। तो उन्हें आवाज ऐसी लगी कि कोई जो जानवर है वो पानी पीने आया है, तो उन्होंने उसका शिकार करने के सोचा और उन्होंने तीर छोड़ा। तीर श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से एक चीख निकल गई। राजा जब शिकार को लेने पहुंचा तो उसे अपनी भूल मालूम हुई। उसने देखा अनजाने में उससे इतना बड़ा अपराध, यानी गलती हो गई है। उसने श्रवण से क्षमा मांगी। उसने उससे क्या गलती हुई थी कि वो एक जानवर नहीं था बल्कि कौन था, श्रवण कुमार था, तो उसने उससे क्षमा मांगी। श्रवण ने कहा, राजन, जंगल में मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप जल ले जाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए, मेरे विषय में उन्हें कुछ न बताइएगा, यही मेरी विनती है। इतना कहते कहते श्रवण ने प्राण त्याग दिए, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि राजा दशरथ ने जो तीर छोड़ा था वो उसके सीने में जाकर लग गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरते वक्त भी उसे क्या हो रहा था, उसको अपने माता पिता की चिंता थी, क्योंकि वो क्या करने आया था, उसकी माता जी को प्यास लगी थी, वो पानी भरने आया था नदी से। तो उसने राजा को बताया कि मेरी चिंता तो अब छोड़ दो, लेकिन मेरे माता पिताजी प्यासे बैठे हैं, आप जल ले जाकर उनकी प्यास को बुझा दीजिए और मेरे बारे में मत बताइएगा कि मेरी मृत्यु हो गई है। ठीक है, आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।